आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि तीन चीजों के ऊपर आपने काम करना है सिर्फ और अपना अपना चैनल ग्रो करना है। प्रूफ अगर आप लोग चाहते हो तो मैं खुद इसका प्रूफ बैठा हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, जिसके ऊपर यही वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पिछले अबाउट में भी जा सकते हो, अबाउट के अंदर जाके आप देख सकते हो कि मैंने कब चैनल बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह के एक हफ्ता पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। मोनेटाइज के आगे की कहानी क्या है, पहले तो आपको ये बता दूं कि आपने तीन चीजें वो कौन सी हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने थंबनेल के ऊपर काम करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि क्लिक थ्रू रेट जो आएगा थंबनेल से आपके ज्यादा आपके पास सब्सक्राइबर आते हैं, ठीक है। आप लोग फिर उसके बाद कहते हो कि व्यूज वगैरह का प्रॉब्लम है, हमारे व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं। व्यूज तब आएंगे जब आप एक सच्चा और एक अच्छा कंटेंट दोगे आवाम को, अपने सब्सक्राइबर को दोगे, ठीक है, अच्छा कंटेंट जिससे उसका वीडियो को फायदा होगा। वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो को भी फायदा होगा और उस सब्सक्राइबर को भी आपकी वीडियो से फायदा मिलेगा, तभी आपका एक अच्छा कंटेंट बनता है। तीसरा ये कि आप लोगों ने फर्स्ट ये हो गया कि थंबनेल के ऊपर काम करना है, दूसरा क्लिक थ्रू रेट थंबनेल की वजह से ही आएगा। इंप्रेशन, इंप्रेशन क्या है? इंप्रेशन ये है कि जब आप एक वीडियो अपलोड करते हो, वीडियो जब आप लोग एक अपलोड करते हो, जितने उसके ऊपर क्लिक आते हैं, ठीक है, वो एक व्यूज तो आपको आ गया, लेकिन यूट्यूब इंप्रेशन भेजता है अगले बंदों के पास, इंप्रेशन भेजता है अगले बंदों के, आपकी वीडियो को उठा के, अगर जैसे कि बिलफर्ज आपके 10 बंदों ने आपकी वीडियो देखी है तो YouTube आगे 20 बंदों के अंदर आपकी वीडियो को रेकमेंड करेगा, उसके अंदर से भी आपको कितने बंदे आपका थंबनेल वगैरह देख के क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपके पास ऑडियंस आएगी, आपकी वीडियो इसी तरीके से वायरल होती जाएगी। शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको तीन चीजों के बारे में आराम से पता लग जाएगा। दूसरी इंप्रेशन हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर आपने काम करना है। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाता रहूं। ये आपको ये चीजें आपका YT स्टूडियो आपके अपने चैनल का सारा कुछ यहां पे आपको दिखा देगा। सेकंड ये कि व्यूज नहीं आते, आप टैग वगैरह और आपके जो कीवर्ड्स होते हैं इनके ऊपर आपने वर्क करना है। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, ये वाली वीडियो जो साथ आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लीजिएगा। कीवर्ड के ऊपर आपने क्या काम करना है? कीवर्ड के ऊपर आपने ये काम करना है कि जैसे ही आपका कंटेंट है, मतलब कि अगर आपका कंटेंट इस्लामी है तो आपने सारे इस्लामिक कंटेंट के हिसाब से ही अपना कीवर्ड्स वगैरह लगाने हैं। टॉपिक आपके वीडियो का किचन के हिसाब से है तो टॉपिक आपका जो किचन का है उसके ही आपने कीवर्ड्स वगैरह लगाने हैं। टाइटल जो आपने लिखना है, आपने वो टाइटल ऐसा अट्रैक्टिव लिखना है कि लोग मजबूर हो जाए आपकी वीडियो के ऊपर आने के लिए। अब जैसा कि मेरा टाइटल क्या होता है, काफी मेरी बाज ऐसी वीडियोस हैं जो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। किसको नहीं होता पैसों से प्यार? आप लोगों को पैसों से प्यार है। वीडियो के अंदर अगर पैसों की बात हो तो आवाम बड़े शौक से देखती है, जैसे कि स्नैक वीडियो, मैंने वीडियो अपलोड की स्नैक वीडियो की अर्निंग के हिसाब से तो सबने वीडियो देखी, 4 से 5 हजार बंदों ने वो वीडियो देखी और वो वीडियो पूरी देखी। वो 6 मिनट की वीडियो थी और 5 मिनट की बंदों ने वीडियो वो पूरी देखी। क्यों देखी? क्योंकि उनको पैसा कमाना है, गुर्बत का निजाम आपके सामने है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना कोई टॉपिक, जो आपका टॉपिक हो, ठीक है, उस टॉपिक के हिसाब से। अब आप लोग ये कहते हो कि टॉपिक हमें पता नहीं कि हमारा क्या है। देखें, अगर आप 1 महीने से काम कर रहे हैं, शॉर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं, आप वीडियोज वगैरह अपलोड कर रहे हैं, देखें आपने 1 महीने के अंदर आपकी कौन सी वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यूज आए। जिसके ऊपर ज्यादा व्यूज आया है वही आपका टॉपिक है, क्योंकि उसी वीडियो को देख के लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है। आप अपनी वीडियोस को शेयर करते हो अपने दोस्तों के अंदर, शेयर करो, अच्छी बात है, लेकिन इतना मत शेयर करो कि यूट्यूब आपको फेक लिस्ट में डाल दे। यूट्यूब बोले कि ये जब शेयर करता है तभी इसके पास ऑडियंस आती है, व्यूज आता है, ऑलरेडी इसके पास, अब बाकी इसके पास नहीं आता, ऑलरेडी इसकी वीडियो 5, 6, 7, 8 व्यूज में रुक जाती है। तो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है। अगर आप लोगों को मेरी बात ना समझ आई हो, ठीक है, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमें यहाँ से आपकी बात समझ नहीं आई है, तो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और जो पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन के ऊपर होगा, जाहिर सी बात है, जो आने वाला मेरा सब्सक्राइबर है कमेंट करेगा, कमेंट देखेगा, वो आपका कॉन्टेंट देख के आपको सब्सक्राइब लाजमी करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखना, चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़।